मेरे साथ वो घटना मेरे दूसरे सफर के दौरान घटी। मैं अकेला पीछे छूट गया और एक अनजान टापू पर एक घाटी में फंस गया। अरे ये क्या है? ये तो हीरा है। यहाँ पर तो इतने सारे हीरे मोती और कीमती पत्थर हैं। लेकिन अगर मैं इस घाटी से बाहर नहीं निकल पाया तो मैं चाहे जितने भी कीमती पत्थर इकट्ठे कर लूं, ये मेरे किसी काम नहीं आएंगे। मैंने कई बार घाटी से बाहर निकलने की कोशिश की लेकिन हर बार नाकाम रहा। वहां से बाहर निकलने का और कोई रास्ता नहीं था। भूख की वजह से अब मुझमें चलने की ताकत भी नहीं बची है। मेरी हालत बहुत खराब हो रही है। ओ बेचारा सिंबाद, क्या हम किसी तरह उसकी मदद नहीं कर सकते? मेरी तो समझ में नहीं आता नोबिता कि आखिर तुम ये कहानी कितनी बार देखना चाहते हो। हाँ देखो, तुम्हें ऐसी बात ही नहीं करनी चाहिए डोरेमोन, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। अरे ये क्या? चलो मेरे खाने का इंतजाम हो गया, अब मैं भर पेट खाना खाऊंगा। ये पक्षी तो बहुत बड़ा है। हर बार इस कहानी को देखने में कितना मजा आता है। हाँ सही कहा, लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। बहुत सारे कीमती पत्थर लेकर आया है, आओ देखते हैं हमें क्या क्या मिला है। चलो इसे बराबर बांट ले। तो ये बात है, उन लोगों ने ये खाना इसलिए फेंका ताकि उन्हें ये कीमती पत्थर मिल सके। समझ गया, मैं यहाँ से आसानी से निकल सकता हूँ। अब उसका दिमाग काम कर रहा है। मैंने सही कहा ना डोरेमोन? हाँ ये क्या? बढ़िया, अब बहुत जल्द वो बड़ा पक्षी आ जाएगा। देखो वो आ गया। सिंबाद सुरक्षित वापस अपने घर चला गया। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ नोबिता। चलो अब हम दोनों भी अपने घर वापस चलते हैं। नहीं, मैं एक बार और देखना चाहता हूँ। बस अब बहुत हो गया नोबिता, तुम ये कहानी तीन बार देख चुके हो। बार बार देखने से कहानी बदलने वाली नहीं है। सही कहा। मैं ये शिजुका के लिए ले जाऊंगा। क्या मैं इनमें से एक पत्थर ले सकता हूँ डोरेमोन? बिल्कुल नहीं, ये एक ऐसी दुनिया है जिसे हम सिर्फ देख सकते हैं। हाँ हाँ मैं जानता हूँ, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता नोबिता। हाँ इसे फिर से देखने में मजा आएगा, क्यों है ना डोरेमोन? सही कहा। ये बताओ कि अब क्या करना है? मैं बहुत थक गया हूँ नोबिता। हाँ देखो ऐसा मत कहो डोरेमोन। डोरेमोन उठ जाओ ना डोरेमोन। तुम नहीं जाना चाहते, ठीक है मैं अकेला चला जाऊंगा। मैं शिजुका को बुलाकर लाता हूँ, मुझे पूरा यकीन है उसे बहुत मजा आएगा। सुनियो मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, क्या हम कुछ मजेदार कर सकते हैं? कुछ मजेदार कर सकते हैं? अरे हाँ जियान, क्यों ना हम लोग बॉक्सिंग खेलें, इससे हमें मजा भी आएगा। हे नोबिता, तुम इतनी जल्दी कहाँ भाग रहे हो? कहीं नहीं। नोबिता तो जल्दी में लग रहा है। इस तरह जाने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? दूसरों को परेशान करने के अलावा इन्हें और कोई काम नहीं आता। हे शिजुका। अरे नोबिता तुम कैसी हो, क्या तुम कहीं जा रही हो? पियानो क्लास के लिए हम सभी स्टूडेंट्स कैंप पर जा रहे हैं।
मैंने तो सोचा था मैं तुम्हें एक मजेदार जगह घुमाने लेकर जाऊंगा, लेकिन वहाँ सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। हमें बस आधा घंटा लगेगा। नहीं नहीं, बस 10 मिनट। क्या तुम्हारा मतलब है सिर्फ 10 मिनट? हम एक रोमांचक सफर पर चलेंगे, एक ऐसी दुनिया जो तुम्हें बहुत पसंद है शिज़ुका। नोबिता। अरे इतने रोमांचक सफर पर हमें साथ लेकर नहीं जाओगे? हमारे बिना मजा नहीं आएगा। नहीं ऐसी बात नहीं है, असल में तो वो बहुत ही बेकार जगह है। मेरा यकीन करो, तुम दोनों को वहाँ बिल्कुल मजा नहीं आएगा। अच्छा, तो तुम मुझे एक बेकार जगह ले जाना चाहते थे नोबिता? मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं जा रही हूँ। मेरी बात सुनो शिज़ुका। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे कहाँ गया? कहीं तुम हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहे नोबिता? अब जल्दी बताओ हमें करना क्या होगा नोबिता? इन जूतों की मदद से हमें बुक के अंदर जाना होता है। हा? क्या मतलब ये जूते पहनकर? तुम पिक्चर बुक वर्ल्ड की बात तो नहीं कर रहे हो ना नोबिता? हाँ वही है। ये नोबिता भी ना बच्चों वाली हरकतें पता नहीं कब छोड़ेगा। मुझे लगा था हम असली रोमांचक सफर पर जाएंगे। देखो पिक्चर बुक में जाने के बाद वो दुनिया बिल्कुल असली लगती है। एक बार तुम जाओगे तो तुम्हें बहुत मजा आएगा, लेकिन अगर तुम नहीं जाना चाहते और बस मुझ पर हंसना चाहते हो तो अपने घर वापस चले जाओ। अरे नोबिता अब नाराज मत हो। क्या इन जूतों की मदद से हम सच में बुक के अंदर जा सकते हैं नोबिता? हम दोनों एक बार वहाँ जाना चाहते हैं। ऐसी बात है तो वहाँ से अपनी पसंद की कोई भी बुक उठा लो। इतनी सारी बुक्स तुम कहाँ से लाए? मुझे बचपन में मिली थी। माफ करना, इसके पेज गिर गए। अरे ध्यान से। अरे ये कहानी मजेदार लगती है, दिखाओ। अरे हाँ, ये तो जैक एंड बीनस्टॉक है। ये कहानी मैंने सुनी है, ये बहुत ही मजेदार है। नोबिता हमें इस बुक में जाना है। सिर्फ 2 जोड़ी जूते हैं, इसलिए हम तीनों इसके अंदर नहीं जा सकते दोस्तों। तो ठीक है, मैं और जियान जाएंगे। पहले हम दोनों चले जाते हैं नोबिता। जब डोरेमोन घर आ जाए तो तुम भी आ जाना। अब हम दोनों को चलना चाहिए, सुनियो। चलो अब पहले तुम जाओ। नहीं नहीं जियान, पहले तुम जाओ। बकवास मत करो, चलो अब जल्दी जाओ सुनियो। जियान, मेरी एक बात याद रखना दोस्तों, बस देखना कोई बेवकूफी मत करना। अरे वाह, मुझे यकीन नहीं हो रहा। अरे अरे ये क्या है सुनियो? अरे ये तो वही बीन स्टॉक है जिसके बारे में कहानी है, ये हमें आसमान तक ले जाएगी। सुनियो क्या तुम्हें पता है कि इसके बाद क्या होने वाला है? उस महल में एक बड़ा सा राक्षस रहता है। ये बताओ क्या वो राक्षस मुझसे भी बड़ा है? हाँ जियान, वो तुमसे करीब 100 गुना बड़ा है। उससे मुकाबला करने में तो मजा आएगा जियान। अरे कोई गलती मत करना, वो कमजोर नहीं है जियान, उससे मुकाबला करना भारी पड़ सकता है। ये उसे देखने के बाद ही पता चलेगा। मैंने कहानी में इसके बारे में पढ़ा जरूर है जियान, लेकिन मुझे इसको देखकर ज्यादा मजा आ रहा है। अब क्या होने वाला है? जैक बीनस्टॉक पर चढ़ेगा, वो राक्षस के बारे में नहीं जानता। सच में जैक अब ऊपर चढ़ेगा तो क्या हमें उसे रोकना नहीं चाहिए? अरे जियान ये कहानी है, तुम भी ना। तो क्या हुआ, हमें उसे रोकना ही होगा। ये तुम क्या कह रहे हो जियान? जैक, 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 जाओ जैक। जैक तुम्हें ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेकिन पहले ये बताओ तुम दोनों कौन हो? हम कौन हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? देखो जैक, ये बीनस्टॉक सीधे आसमान में बादलों तक जाता है और वहाँ एक राक्षस रहता है। क्या तुम जानते हो जैक, वो राक्षस बहुत ही खतरनाक है और बहुत ताकतवर भी है। पर तुम घबराना मत जैक, हम तुम्हारे साथ हैं। चलो हम तुम्हें पहले ही सारी कहानी समझा देते हैं ताकि तुम हर आने वाले खतरे से बच सको। क्या मतलब? हमारे साथ चलो तो सही। अरे नहीं, गड़बड़ हो गई। मैंने इन दोनों को सिर्फ देखने के लिए कहा था। नोबिता, नोबिता।
अरे ये क्या शिज़ुका, तुम आज कैंप पर नहीं गई? गई तो थी दरअसल मैं भूल गई थी कैंप पर आज नहीं कल जाना है। अच्छा तो चलो ऊपर आ जाओ। पर मैं जल्दी चली जाऊंगी। तुम्हारे आने से मुझे बहुत अच्छा लगा शिज़ुका। तुम क्या बताना चाहते थे? अरे ये क्या क्या हुआ नोबिता? दोनों जोड़ी जूते तो जियान और सुनियो ले गए। अरे हाँ, डोरेमोन के पास एक और पॉकेट है, उसमें से ढूंढता हूँ। देखो मुझे मिल गए। चलो इसमें से अपनी पसंद की एक बुक चुन लो। हाँ, क्या इनमें से चुनूं? हाँ? वैसे मुझे तो पिनोकियो की ये कहानी बहुत पसंद है, ये मेरे लिए ठीक रहेगी। अब तुम ये जूते पहन लो। क्या ये जूते? हाँ बिल्कुल। ठीक है, अब हम पिक्चर बुक के अंदर जाएंगे। क्या सच में? मुझे पता है तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा, ये देखो। नोबिता रुको। अरे वाह, तारे कितने सुंदर लग रहे हैं। नीचे देखो शिज़ुका, मुझे लगता है पिनोकियो उस शहर में ही कहीं रहता है। तो क्या हम चलकर उससे मिल सकते हैं? चलो उसे ढूंढते हैं। ठीक है। अरे जरा उस घर को देखो। वो देखो नोबिता, अंदर कितनी सुंदर परी है। ठीक है पिनोकियो, अब अपनी आंखें खोलो, अब तुम खुद हिलजुल सकते हो पिनोकियो। ये मैं खुद हिलजुल सकता हूँ, मैं बिना किसी रस्सी के हिलजुल पा रहा हूँ। अगर तुम नेक बनो तो इंसान बन सकते हो। क्या सचमुच? हाँ? अब शुरू होगी पिनोकियो की रोचक कहानी, चलो चलते हैं। हाँ बिल्कुल, चलो दूसरे पेज पर चलते हैं। हाँ। सुनियो जल्दी करो। अरे सुनियो जल्दी करो। सुनियो वो पेज कहाँ है जिसमें कहानी का अंत होता है? उसके बारे में तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? अचानक वो राक्षस सामने आ गया, इसलिए मैं थोड़ा डर गया था। अरे हाँ जियान, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम इस बुक के पेजेस को अलग अलग कर दें, मजा आएगा। हाँ तुमने सही कहा, चलो करते हैं। हाँ देखते हैं अब कौन सी नई कहानी बनेगी। सुनियो ठीक है, वैसे अगर नई कहानी की शुरुआत डरावनी ना हो तो ही अच्छा रहेगा। चिंता मत करो, ऐसा ही होगा। बैटल ऑफ सारुकानी के बारे में क्या ख्याल है? हाँ ठीक है चलो। हाँ जल्द ही पिनोकियो का ये रोमांचक सफर पूरा हो जाएगा शिज़ुका। पिनोकियो जरा और जोर लगाओ। आप ठीक तो है पापा? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो सुनो पिनोकियो और तेज चलाओ। नोबिता ये तो मुसीबत में है, अब क्या होगा? और जोर लगाओ, कोशिश करो, बहुत अच्छा पिनोकियो। अगर तुम ये करने में कामयाब रहे तो तुम इंसान बन जाओगे पिनोकियो, तुम ये कर सकते हो। अरे नोबिता तूफान आ रहा है। पिनोकियो की कहानी में कोई तूफान आया था क्या शिज़ुका? ऐसा कुछ नहीं था। जरूर ये जियानो सुनियो का काम है। पिनोकियो मैं तैर नहीं सकता, मुझे बचाओ। घबराइए मत, मेरा हाथ पकड़िए। जरा वहाँ देखो, एक जलपरी उनकी मदद के लिए आ गई है। चलो अगला पेज देखते हैं। तुमने देखा, जलपरी ने उस बूढ़े इंसान को बचा लिया। लेकिन वो तो परेशान लग रही है। ये तो जाहिर सी बात है, असल में तो उसे प्रिंस को बचाना था। अब वो कर भी क्या सकती है, इसलिए वो वापस जा रही है। देखते हैं कि वो क्या करती है। अब क्या होने वाला है? ये क्या है? पता नहीं। कहीं ये ड्रैगन का किला तो नहीं? मैं
बंदर नहीं हूँ, मैं बंदर नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो प्लीज। बच गए। अरे लेकिन उन्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं एक बंदर हूँ? क्योंकि तुम कुछ कुछ वैसे ही दिखते हो। क्या मतलब? नहीं नहीं मैं घर जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं भी चलता हूँ। सुनो दादी माँ, मैं स्नो वाइट के लिए ये सेब लेकर आई हूँ, उसे दे देना। यहाँ तो कोई स्नो वाइट नहीं रहती, मुझे लगता है आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। लेकिन उसने तो कहा था वो यहीं रहती है। मैंने मुझे तो लगता है स्नो वाइट और हैंसल एंड ग्रेटल की कहानी आपस में मिल गई है। तो तुम कौन हो? मैं प्रिंस कॉर्नेलियस हूँ। और तुम कौन हो? मेरा नाम थंबलीना है। बिना कोई काम बताए ही भाग गए, कितने अजीब लोग हैं। शिज़ुका यहाँ तो बहुत मजा आ रहा है, मुझे अब वापस जाना चाहिए। अरे शिज़ुका तुम चली जाओ, मैं थोड़ी देर देखने के बाद आ जाऊँगा। जो कहानी मुझे सबसे ज्यादा पसंद थी उन्होंने उसे बिगाड़ दिया। क्या मैं किसी चीज से टकराया था? खैर चलो मैं आगे चलता हूँ। नोबिता, नोबिता तुम अपने कमरे में नहीं हो क्या? ओफो ये सब क्या है, उसके जूते भी अभी तक यहीं पड़े हुए हैं। नोबिता, नोबिता मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इधर आओ फौरन। नोबिता हाँ, ये तो मॉम है। अरे ये तो बिल्कुल सही मौका है। नोबिता हाँ मॉम, मैं बस अभी आता हूँ। मुझे क्यों बुलाया मॉम? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है नोबिता। चुपचाप मेरे साथ नीचे चलो, समझ गए? तुम्हारी छुट्टियाँ चल रही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा खेलते ही रहो। इस तरह वक्त बर्बाद करते रहोगे तो तुम कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। मेरी बात समझ आई नोबिता? अगर तुमने अभी से अपना होमवर्क पूरा करना शुरू नहीं किया तो समय पर उसे पूरा करना नामुमकिन होगा। चलो जाओ, अभी जाकर उसे पूरा करो। जी माँ। मेरा तो हाल बुरा हो गया है। ये सब क्या है नोबिता? क्या तुमने मुझसे बिना पूछे मेरी स्पेयर पॉकेट से ये जूते क्यों निकाले? तुमने बिना वजह मेरा गैजेट इस्तेमाल किया, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। अरे मुझसे नाराज मत होना डोरेमोन, मॉम ने मुझे इतना डांटा कि मैं थक गया हूँ। अच्छा ये बात है, फिर तो मैं तुम्हें कल डांटूंगा नोबिता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया डोरेमोन। परेशान क्यों दिख रहे हो? एक बात बताओ नोबिता, पिक्चर बुक के अंदर तुम चार लोग घूमने गए थे, मैंने सही कहा ना? हम चार लोग पिक्चर बुक में गए थे, क्यों क्या हो गया? पिक्चर बुक में चार लोग गए थे पर यहाँ सिर्फ तीन जोड़ी जूते हैं। हाँ? इसका मतलब है कि तुम चारों में से कोई एक है जो अभी तक वापस नहीं आया है नोबिता। ये तो गड़बड़ हो गई। लेकिन वो कौन है जो वापस नहीं आया? इस बात का पता हमें पिक्चर बुक देखकर चल जाएगा नोबिता। ये सारी देखोगे? देखनी ही पड़ेंगी। हमें ये देखना है कि कोई इन पेजेस में नजर तो नहीं आ रहा। मुझे नहीं लगता ऐसे कोई नजर आएगा। इसमें कोई नहीं है नोबिता, इसमें भी कोई नहीं है। क्या मुसीबत है? मुझे एक आईडिया आया है। क्या हुआ? अरे नोबिता कहाँ जा रहे हो? पिक्चर बुक में ढूंढने से अच्छा हम सबको उनके घर जाकर देख लेते हैं, ये ठीक रहेगा। डोरेमोन कितनी चिंता करता है, इसलिए उसके दिमाग में इतना अच्छा आईडिया कभी नहीं आता। हाँ सुनियो इस वक्त घर पर नहीं है बेटा। हाँ सुनियो कहीं खो गया क्या? नहीं ऐसी बात नहीं है बेटा, वो तो जियान के साथ इंसेक्ट्स पकड़ने गया है। ये तो अच्छी बात है आंटी।
देखो ये मेरा है, सुनियो। ये गलत बात है जियान, पहले मैंने उसे देखा था, ये तुम्हें भी पता है। लेकिन इसे पकड़ा तो मैंने है, मेरा मतलब समझ गए ना तुम? नहीं। अरे नोबिता, तुम यहाँ? हेलो आंटी, कैसी हैं आप? मुझे जानना था क्या शिजुका घर पर है? शिजुका तो कैंपिंग के लिए गई है नोबिता। अरे वाह, बढ़िया, शुक्रिया आंटी। जरूर डोरेमोन ने ही कोई गलती की होगी। हाँ, क्या शिजुका किसी मुसीबत में है? नहीं नहीं, हाँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आंटी। अरे तुम क्या सोच रहे हो? सब घर वापस आ गए हैं डोरेमोन। सुनो नोबिता, अरेबियन नाइट्स के इस पेज को देखो। देखो यहाँ पर एक जूता वही पड़ा हुआ है। कोई भी एक जूता पहनकर वापस नहीं आ सकता। इसका मतलब कोई तो है जो वहाँ से वापस नहीं आया है। बात ये है कि दरअसल मैंने शिजुका को नहीं देखा। चलकर देखते हैं। लगता है नोबिता नहीं सुधरेगा, वो फिर डोरेमोन के साथ बाहर खेलने जा रहा है। नोबिता ने अपना कमरा अभी तक साफ नहीं किया, बस बहुत हो गया। आज मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो हमेशा याद रखेगा। शिजुका, लगता है वो यहाँ नहीं है। हो सकता है शिजुका अंदर हो। चलो चलकर देखते हैं डोरेमोन। शिजुका, क्या तुम घर पर हो? शिजुका, वो यहाँ पर भी नहीं है नोबिता। हाँ? हेलो, मैं डोरेमोन बोल रहा हूँ। क्या कहा आप? मियामोटो बोल रही हैं? अच्छा, तो आप उसकी पियानो टीचर हैं? क्या आप लोग अभी कैंप के लिए निकल रहे हैं? हेलो, माफ करना टीचर, शिजुका की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो आज कैंप के लिए नहीं आ सकती। शिजुका को कैंप के लिए आज जाना था, लेकिन वो गलती से कल चली गई। अब वो पिक्चर बुक में है, लेकिन उसकी मॉम को लगता है कि वो कैंप में है। अरे डोरेमोन, नोबिता, क्या तुम लोगों को कोई परेशानी है? अरे नहीं नहीं आंटी, माफ करना, आपको परेशानी होगी। हमें जल्दी से पिक्चर बुक में जाना होगा, और कोई रास्ता नहीं है। तुमने सही कहा डोरेमोन। पढ़ाई छोड़कर हमेशा इन्हीं में लगा रहता है, अब देखती हूँ कैसे इनमें वक्त बर्बाद करता है। अरे वो धुआं कैसा है नोबिता? आपने मेरी पिक्चर बुक चला दी। बताइए आपने ऐसा क्यों किया मॉम? अगर वो इतनी जरूरी थी तो तुम्हें उन्हें संभाल के रखना चाहिए था। लेकिन मॉम, वो अब ये सब बंद करो और चुपचाप अपने कमरे में जाकर अपना होमवर्क करो, समझ गए नोबिता? शिजुका, सुनो डोरेमोन, अब हम क्या करें? पिक्चर बुक्स के बिना हम कुछ नहीं कर सकते नोबिता। क्या हम टाइम मशीन की मदद से उस जगह पर नहीं जा सकते? टाइम मशीन से हम सिर्फ असली दुनिया में वापस जा सकते हैं नोबिता, पिक्चर बुक से उसका कोई लेना देना नहीं। मुझे नहीं लगता अब हम कुछ भी कर सकते हैं नोबिता। तो ये बताओ कि शिजुका का क्या होगा डोरेमोन? चिंता मत करो, शिजुका को कुछ भी नहीं होगा। तुम लापरवाह हो। लापरवाह मैं हूँ कि तुम? वैसे भी ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है नोबिता। हाँ मैं जानता हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ ना डोरेमोन। मुझे लगता है कि अब शिजुका की मॉम से बात करनी ही पड़ेगी। पता नहीं वो इस बात को झेल पाएंगी या नहीं। शिजुका के अलावा उनका है ही कौन? वो बहुत नाराज हो जाएंगी, परेशान और दुखी भी। अगर उन्हें कुछ हो गया तो क्या होगा? हाँ। नोबिता, तुम फिर से आ गए बेटा। हाँ? ओके, बाय बाय आंटी। हाँ? मैं उन्हें नहीं बता सकता। ना जाने इस वक्त शिजुका क्या कर रही होगी। अच्छा होता कि मैं उस पिक्चर बुक में से बाहर ही नहीं आता। समझ नहीं आता मैं क्या करूं। रहम कीजिए। मैं आ रहा हूँ शिजुका। डोरेमोन, डोरेमोन, जानते हो मैंने अभी बहुत बुरा सपना देखा। मैंने देखा कि शिजुका। शोर मत करो नोबिता। देखो इस वक्त मैं एक बहुत ही जरूरी काम कर रहा हूँ। हाँ मिल गया। हाँ काम हो जाएगा।
तुम इतने खुश क्यों हो डोरेमोन? लो पिता, इसकी मदद से हम शिजुका का ढूंढ सकते हैं। लेकिन वो कैसे? अरेबियन नाइट्स के पूरे सेट में 260 कहानियाँ थी। मैं अपने इस गैजेट से ये देख रहा था कि उनमें कोई असली कहानी है या नहीं, और मुझे पता चला है कि उन कहानियों में दो लोग असली थे। नोबिता, क्या सच में? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करो नोबिता। हाँ, वो दो लोग कौन थे? इसमें लिखा है उनमें से एक का नाम हरुण राशिद और दूसरे का नाम सैशी माता जाफर है। अगर हम उस समय के अरेबिया में चले जाएं तो हमें पता चल जाएगा कि उन दोनों कहानियों में क्या संबंध है। तो जल्दी चलो। हाँ, और कोई रास्ता भी नहीं है। हाँ, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। क्या ये सच है नोबिता? तुम लोग हमारे साथ उसे ढूंढने चलोगे ना? भला इसमें भी कोई पूछने वाली बात है? क्या तुम्हें नहीं लगता उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है? काम मुश्किल है, इसलिए मैंने एक एक्सपर्ट गाइड रोबोट का इंतजाम किया है। इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूँ डोराजोइमो। अरे ये क्या है? मैं भूत नहीं हूँ, मैं टाइम ट्रेवल कंपनी का एजेंट मिकुजिन हूँ, समझ गए? अब ये बताओ कि डोराजोइमोन कौन है? क्या तुम या फिर तुम? कहीं तुम ही तो नहीं हो? मेरा नाम डोराजोइमोन नहीं, डोरेमोन है, समझ गए? गलती हो गई। आपने हमारी कंपनी का अरेबियन नाइट टूर चुना, इसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरा वादा है आप सबको बहुत मजा आएगा। बाकी बातें बाद में करना, क्या हम अभी निकल सकते हैं? क्या अभी निकलना है? मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा था। खैर कोई बात नहीं, जाने से पहले मैं आप सबको अरेबियन भाषा के कुछ शब्द सिखाना चाहता हूँ, ठीक है ना? उसकी जरूरत नहीं, मेरे पास ट्रांसलेटर टूल है। डोराजोइमोन, आपके पास ट्रांसलेटर टूल है? मेरा नाम डोरेमोन है। ठीक है, तो अब आप ये कपड़े पहन लीजिए, ये फॉरेन ट्रेडर और उसके दोस्त के कपड़े हैं, और ये है उसके नौकरों के कपड़े। हाँ? लेकिन हमारे लिए नौकरों के कपड़े क्यों? तुम लोगों ने कहा था ना हमें जल्दी जाना है, अब शिकायत बंद करो और जल्दी से कपड़े पहनो। तुम बहुत अच्छे लग रहे हो डोरेमोन। इन दोनों के कपड़े सुंदर हैं। हे सुनो, हमें भी इनके जैसे कपड़े चाहिए। हाँ सही कहा। वो कपड़े तुम पर अच्छे नहीं लगेंगे। लेकिन क्या तुमने डोरेमोन का चेहरा ध्यान से देखा है? क्या ये कहीं से इंसान लगता है, बताओ मुझे? देखो अब हमें चलना चाहिए। मेरी बात तो सुनो। मुझे कोई बात नहीं सुननी, तुम्हें चलना है या नहीं? तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा, समझे? हाँ हाँ, आराम से देख लेना, अब जल्दी चलो। चलो। ये मशीन तो काफी पुरानी लगती है। हाँ ये पुरानी है लेकिन काम करती है। बातें मत करो और जल्दी चलो। अच्छा तो फिर तुम सब लोग 794 ईस्वी के बगदाद में जाने के लिए तैयार हो जाओ। इतनी तेज नहीं। तो फिर पहले तुमने क्यों कहा था कि हमें जल्दी जाना है? लेकिन हमने इतने भी तेज नहीं कहा था। आगे से जो भी कहना सोच समझ कर कहना। हाँ तो जैसा कि मैंने बताया, अब हम 794 ईस्वी के बगदाद में जा रहे हैं। तुम चाहो तो मैं वहाँ के बारे में बहुत कुछ बता सकता हूँ। हमें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुननी है। लेकिन मैं तो सिर्फ तुम्हारी जानकारी बढ़ाना चाहता था। हमें कुछ नहीं सुनना है, चुप रहो। ये लो हम बगदाद पहुँच गए। तुम सच में बहुत बुरे हो मिकुजिन। ये सब बातें बाद में करना, अब उस तरफ देखो, तुम्हारे सामने है बगदाद का शहर। ये रही मशहूर नदी टाइग्रिस। तुम सामने जो शहर देख रहे हो वो चारों तरफ से 3 दीवारों से घिरा हुआ है, जिन्हें पार करना बहुत मुश्किल है। इसके बाद आता है राजा का महल, जो बहुत ही आलीशान है। यहाँ की आबादी है 2,00,000। इस दौर में ये सबसे ऊंचे दर्जे का शहर था। बहुत हो गया, अब चुप हो जाओ। हमें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुननी है। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी हिस्ट्री टीचर के साथ घूमने आए हैं। माफ करना, मैंने तुम्हें जो भी बताया वो तुम्हें दिलचस्प नहीं लगा। मैं एक अच्छा गाइड नहीं हूँ, शायद इसे अच्छा नहीं लगा। इसकी चिंता छोड़ो, अब जरा ये सोचो कि हमें आगे क्या करना है। अरेबिया बहुत बड़ा देश है, मुझे समझ नहीं आ रहा हम शिजुका को कहाँ से ढूंढना शुरू करें। मैंने सपने में शिजुका को एक शिप पर देखा था। तुम्हारे सपने से हमें कोई फायदा नहीं होगा। क्यों ना हम एक काम करें, हम सब अरेबिया चलते हैं दोस्तों। वहाँ जाने से क्या होगा? वहाँ जाकर हमें शिजुका के बारे में पता चल सकता है जियान। काश हमारे पास भी उड़ने वाला कालीन होता। अरे डोरेमोन, क्या तुम्हारे पास भी ऐसा कोई गैजेट है? ये तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? लैंप में कैद जीनी, उड़ने वाला कालीन, ये सिर्फ कहानियों में होती हैं। मिकुजिन, क्या तुम थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकते हो? तुम लोग बहुत
और मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं जा रहा हूँ। वैसे भी वो हमारे किसी काम का नहीं था। अब हम क्या करें डोरेमोन? डोरेमोन अपना ट्रांसलेटर टूल निकालो। निकालता हूँ। ये जगह आराम करने के लिए सुरक्षित नहीं है। हेलो, मेरा नाम है डोरेमोन, आपसे मिलकर खुशी हुई। हम सब लोग सलाम हम बाद में भी कर सकते हैं। तुम्हें रात में ऐसी जगह नहीं रुकना चाहिए था। अपने पीछे देखो। भागते कहाँ हो? हम डाकू हैं, हमसे बचकर जाना नामुमकिन है। चुपचाप से यहाँ आकर खड़े हो जाओ। इन लोगों की संख्या लगभग 40 है डोरेमोन। सरदार उधर देखो। ये आगे बढ़ो दोस्तों, चलो उस तरफ चलते हैं। उन्होंने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। रेगिस्तान तक उनका पीछा करो। ध्यान रखना उनमें से एक भी डाकू हमारे इलाके में नहीं रहना चाहिए। अरे वाह, बहुत बढ़िया, ये तो कमाल हो गया। ये लोग सचमुच बहुत ताकतवर है ना? हमने उनमें से एक को पकड़ लिया है। मुझे पता था कि ये काम आसान होगा। बदकिस्मती से उनका लीडर कासिम हमसे बचकर निकल भागा। सरदार क्या वो भाग गया? पूरे देश में उसकी गिरफ्तारी का फरमान निकालो। ऐसे बदमाशों का सफाया करना बेहद जरूरी है। हमारा देश हर किसी के लिए बिल्कुल सुरक्षित होना चाहिए। जैसा आप कहें सरदार। ये काम जल्दी हो जाना चाहिए। जी अगर तुम लोग चाहो तो आज रात मेरे महल में रुक सकते हो। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आपने हमारी जान बचाई। अपना नाम तो बता दीजिए। मेरा नाम है हारून अल राशिद। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, क्या आप ही अल राशिद हैं? आगे बढ़ो। क्या तुम लोग कल रात ठीक से सोए? हाँ, हमें बहुत अच्छी नींद आई। कल रात हमारी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी बात नहीं है, तुम लोगों की वजह से ही हम कल रात रेगिस्तान के उन डाकुओं को भगा पाए। वैसे ये बताओ तुम लोग आए कहाँ से हो? हम सब बहुत दूर से आए हैं। मैं भारत देश का एक व्यापारी हूँ। मेरा नाम है अब्दुल्ला और ये है मेरे साथी अली। हुँ? अली? हाँ मैं अली हूँ। और ये दोनों हमारे नौकर हैं। इनका नाम हसन और कुमासन है। तुमने हमें सच में नौकर बना दिया। क्या भारत? पहले कभी इस देश का नाम नहीं सुना। हमारा देश यहाँ से बहुत दूर है, पूरब दिशा में चीन के पास। ओह, तो तुम्हारा देश चीन के पास है। लेकिन ये बताओ तुम इतनी दूर यहाँ क्या करने आए हो? दरअसल हम इस लड़की की तलाश में यहाँ आए हैं। मैंने सपने में देखा ये किसी शिप में है जिसमें गुलाम है। क्या गुलाम? ये तो बुरी बात है। टाइग्रिस नदी के मुहाने पर बसरा नाम का एक बंदरगाह है जहाँ सारी दुनिया से जहाज आते हैं। तुम लोगों को भी वहीं जाना चाहिए। हाँ, हो सकता है हमें वहाँ से कुछ पता चल जाए। दोस्तों चलो चलकर देखते हैं नोबिता। मैं एक परवाना बनाकर तुम लोगों को दे दूंगा। अगर तुम किसी मुसीबत में फंस गए तो वो तुम्हारे काम आएगा। हमारी मदद के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी से भरो। जल्दी चलो। तुम लोग भी आओ, जल्दी करो, इतने वक्त नहीं है। जी हुजूर। ले जाओ, इतना सस्ता कहीं नहीं मिलेगा। ले जाओ, हमारे पास आओ, हमारे पास आओ। अरे भाई ये बताओ तुम क्या फरोख्त कर रहे हो? इससे अच्छा कपड़ा आपको पूरे बाजार में नहीं मिलेगा। देखिए कितना मुलायम है ये। क्या आप इस लड़की को जानते हैं? इसे कहीं देखा है? हाँ, ऐसा हो सकता है। गुलाम है क्या? हाँ हो सकता है ये लड़की गुलाम हो। वैसे गुलाम की तो मुझे भी जरूरत है। क्या तुम मेरी? हमारा ये मतलब नहीं था।
है, मुझे भी गुलाम चाहिए, मेरी मदद करोगे? मैं इसे नहीं जानता, मैंने इसे यहाँ कभी नहीं देखा। अब क्या करें? मदद के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं देखा तो है? वाकई कहाँ देखा है? आपने उसे कब देखा और कहाँ? शायद इसको 30 साल पहले मैंने देखा था। ध्यान से नोबिता। नहीं। मुझे नहीं लगता कि इस तरह हम शिज़ुका को ढूंढ पाएंगे। तो तुम ही बताओ अब हम उसे किस तरह से ढूंढें नोबिता? एक रास्ता है। तुम्हारा मतलब चियान और सुनियो? ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम इस तरह से बैठे नहीं रह सकते। हम उसे ढूंढते ढूंढते थक गए हैं। हमने उसके बारे में कई लोगों से पूछा पर कोई उसे नहीं जानता था। सुनिए, क्या आपने इस लड़की को कहीं पर देखा है? बताएंगे? हाँ देखा है। देखा? मैंने कहा था ना किसी को नहीं पता। क्या कहा? देखा है? आपने उसे कहाँ देखा है? करीब 10 दिन पहले यहाँ से गुलामों से भरा एक जहाज पूरब की ओर निकला था। ये लड़की उसी जहाज में थी। आपका शुक्रिया। चलो जल्दी चलते हैं दोस्तों। लेकिन कैसे? तुम लोगों को एक जहाज खरीदना होगा। अगर तुम लोग उस जहाज का पीछा करना चाहते हो तो। क्या एक जहाज खरीदना चाहिए? डोरेमोन, अगर हमने जल्दी से कुछ नहीं किया तो कहीं शिज़ुका। क्या तुम्हारे पास इस जमाने के पैसे हैं? पैसों का इंतजाम तो फ्यूचर बैंक से हो जाएगा जियान। तब तो ठीक है, अगर तुम लोग जाओ तो मैं तुम्हें कुछ जहाज दिखा सकता हूँ जो बिकाऊ है। सच में? तो फिर हमें जल्दी दिखाइए। लगता है ये जहाज बहुत पुराना है, क्यों है ना दोस्तों? पता नहीं ये ठीक से चल भी पाएगा या नहीं। मुझे तो लगता है ये जहाज काफी समय से यही खड़ा है दोस्तों। अगर हम जल्दी नहीं गए तो बहुत देर हो जाएगी। जहाज चलाने के लिए लोगों का भी इंतजाम करना है। सही कहा, हमें जल्दी चलना चाहिए। वो वहाँ जहाज देखो। तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो ये बताओ। मैंने जो कहा वो तुमने सुना नहीं क्या? हम सब कहाँ जा रहे हैं ये तो नहीं पता। जहाज में क्या सामान लादा है और तुम्हारे साथ कौन कौन है? अगर आप इतने सारे सवाल एक साथ पूछेंगे तो फिर। अरे वो अभी तो यहीं था, कहाँ चला गया? इन पर मुझे शक हो रहा है, पकड़ लो इन सबको। जरा एक मिनट रुकिए, देखिए हमारे पास ये है। क्या है ये दस्तावेज? अरे इस पर तो अल राशिद के दस्तखत है। मुझे माफ कर दीजिएगा, दरअसल हमें खबर मिली थी कि कासिम अपने साथियों के साथ यहीं पर कहीं छुपा हुआ है। मैं माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखिएगा, आप जा सकते हैं। शुक्रिया। मैं तो बहुत डर गया था दोस्तों। लेकिन वो बूढ़ा आदमी कहाँ चला गया? अरे वो देखो दोस्तों, वहाँ पर है। लो देखो, जहाज चलाने के लिए मैं लोग ले आया हूँ, लेकिन सबके लिए खाने पीने का इंतजाम आपको करना होगा। मुझे तो ये लोग ठीक नहीं लग रहे, क्या हमें इनके साथ जाना चाहिए? ज्यादा सोचने के लिए समय नहीं है। सही कहा, चलने की तैयारी करो। ठीक है। शिज़ुका, हम जल्द ही तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। हम एक जहाज पर हैं, बस थोड़ा सा वक्त और लगेगा। अपना ख्याल रखना शिज़ुका। ये जहाज कितनी धीरे चल रहा है। सुनो, क्या हम और तेज नहीं चल सकते? रफ्तार हवा तय करती है, तेज हवा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। डोरेमोन, कोई गैजेट निकालो। तेज हवा चाहिए ना? विंड टूल। एक बात बताओ जियान, क्या तुम इसे अच्छी तरह से कर पाओगे? अब तुम चिंता मत करो, बस देखते जाओ।
येलो। मैंने इतनी देर नहीं कहा था। ऐसे तो जहाज डूब जाएगा। तुम्हें इतनी ताकत नहीं लगानी चाहिए, थोड़ा धीरे करोगे तो भी बात बन जाएगी। लगता है इसके पास बहुत सी जादुई चीजें हैं। हम काफी दूर आ गए हैं। मुझे तो लगता है हम पर्शियन सी के बीचों बीच आ गए हैं नोबिता। लेकिन अभी तक शिजुका का जहाज नजर नहीं आया। उसका जहाज हमसे 10 दिन पहले निकला था, उस तक पहुंचने में हमें समय लगेगा। मुझे तो नींद आ रही है। हाँ मुझे भी। शायद ये कमरा सोने के लिए है। हाँ? अरे यहाँ तो बहुत अंधेरा है। क्या हुआ? अंदर तो बहुत बदबू आ रही है डोरेमोन, इतनी गंदी जगह में हम नहीं सो सकते हैं। इस कमरे में सोना तो नामुमकिन है। इंसेक्ट से बचने के लिए स्लीपिंग बैग। अब तुम लोगों को सोने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये लो नोबिता। हाँ। ये तुम्हारे लिए। उसके पेट में जरूर कोई राज छुपा है। आगे खुल ही गई कैप्टन। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने हमें पानी में फेंक दिया? आखिर तुम चाहते क्या हो? मतलब कि तुम अब भी नहीं समझे, कितने बेवकूफ हो। अरे ये तो कासिम और उसके साथी है। तुमने उस जगह से बाहर निकलने में हमारी मदद की, ये सुनकर कैसा लगा? तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। बस एक बार मुझे ऊपर आने दो। हम लोग तुम्हें यहाँ तक ले आए हैं, तुम लोगों को हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए, समझे? डोरेमोन अब हम क्या करेंगे? मैं अपने हाथ और पैर बाहर नहीं निकाल पा रहा। देखो आसमान में भी काले बादल घिर आए हैं दोस्तों। डोरेमोन! नोबिता! कुछ करो प्लीज डोरेमोन। मम्मा! क्या तुम सब ठीक हो? हम ठीक नहीं हैं। बचाओ हमें नोबिता! कुछ करो डोरेमोन। कल की रात तो किसी सपने जैसी थी। वो सब कुछ सच था, कोई सपना नहीं था दोस्तों। हाँ? उस घने अंधेरे में हमें पानी में फेंक दिया गया था और तभी अचानक एक लाल गोला उड़ता हुआ आया जो हमें अपने साथ इस टापू पर लेकर आ गया। क्या एक लाल गोले ने हमारी जान बचाई? बेशक हमें कल्पना की दुनिया में है सुनियो, पर ये सच नहीं हो सकता। मैंने उसे देखा है, समझे तुम? डोरेमोन तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो लगता है ये कल्पना की दुनिया है नोबिता। इस वक्त हम कल्पना की दुनिया में हैं, लेकिन अगर ये सच है तो इसका मतलब कल्पना और हकीकत के बीच की दीवार टूट चुकी है। हाँ? तो तुम्हारा मतलब है कि हम अरेबियन नाइट्स की दुनिया में पहुंच गए हैं? क्या कहा, हम उस दुनिया में आ गए? हाँ, जल्दी चलो, हमें शिजुका को बचाना है, जल्दी अब चलो। लेकिन हम जाएंगे कहाँ पर? आगे समुद्र है और पीछे रेगिस्तान, हम जाएं कहाँ? लेकिन हमें कुछ तो करना ही होगा दोस्तों।
अब वक्त आ गया है कि हम मेरे कुछ गैजेट्स इस्तेमाल करें। क्यों, मैंने सही कहा ना? ये हाँ। है, मुझे इसी बात का इंतजार था। बहुत देर हो गई, अब जल्दी से अपना कमाल दिखाओ। हाँ हाँ डोरेमोन, जल्दी करो जल्दी करो। वो नहीं है, पॉकेट नहीं है, मेरी पॉकेट नहीं है। ये कैसे हुआ? अब मैं क्या करूँ? ये मजाक का समय नहीं है। बताओ अब हम क्या करेंगे? पॉकेट के बिना तुम गैजेट्स को नहीं निकाल पाओगे डोरेमोन, और अगर ऐसा है तो तुम किसी काम के नहीं हो। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो सुनियो, तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है क्या? कहीं तुम कुछ भूल तो नहीं रहे? अरे हाँ याद आया, तुम्हारे पास कुछ है? मीकू जिन ने जो पगड़ी दी थी वो मेरे साइज की नहीं थी, इसीलिए मैंने अपने गैजेट से नई पगड़ी बना ली थी दोस्तों। चलो अच्छा ही हुआ, आखिर तुम्हारे पास कुछ तो है। इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं? देखो सबसे पहले हमें इसका पंख निकालना होता है, और उसके बाद हम इसे जिस भी आकार में चाहे ढाल सकते हैं। क्या इससे बस यही होता है? हाँ। तुम्हें तो बहुत हो गया जियान, अब अपना मुंह बंद रखो। हम सब बेवजह इस तरह पैदल क्यों जा रहे हैं? हम बेवजह पैदल नहीं चल रहे नोबिता, हम उत्तर की तरफ जा रहे हैं। नोबिता, क्या हुआ तुम्हें? अभी से थक गए क्या? अरे मेरे पैरों की हालत तो, काश हमारे पास उड़ने वाला गैजेट होता तो हम उड़कर चले जाते, या फिर हमारे पास कोई ठंडा पानी ढूंढने वाला गैजेट होता तो फिर हम जमीन खोदकर ठंडा पानी ढूंढते और फिर पी लेते। काश हमारे पास कोई ऐसा गैजेट होता जो हमें हर तरह का ताजा गरम और स्वादिष्ट खाना खिलवाता। क्यों दोस्तों? तो तुम सब मिलकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो? हाँ हम तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, क्या करोगे? तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आपस में क्यों लड़ रहे हो? मत लड़ो। तुम सब क्यों नहीं सुनते? हमारा मकसद शिजुका को ढूंढना है, समझे? मुझे माफ कर दो, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मुझे भी माफ कर दो। वैसे देखा जाए तो ये सब कुछ उस कासिम की वजह से हुआ है। उस टूटे फूटे जहाज को कासिम भी ज्यादा दूर नहीं ले जा पाएगा। हो सकता है उसने समंदर पार कर लिया हो और अब इस रेगिस्तान को पैदल पार करने की कोशिश कर रहा हो। अगर ऐसा है तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सरदार सुनिए, सरदार। सरदार मुझे पानी चाहिए, प्यास लगी है। फिर से पानी? आखिर कितना पानी पियोगे तुम? समंदर में जब तूफान आया था तब तुमने ढेर सारा पानी नहीं पिया था? ये तो बहुत गलत बात है सरदार। देखने दो मुझे कि कितना पानी बचा है। अरे ये तो खाली है। अब तुम लोग क्या करोगे? पीछे हट जा, तुम्हारी ये जरूरत? वैसे तुम लोगों को पानी पिलाने का मेरे पास एक रास्ता है, लो जितना पानी चाहो पी लो। पानी? इसमें पानी जरूर होगा। सरदार पहले पानी मुझे दीजिएगा। पैरो जरा मुझे देखने दो कि इसमें पानी मिलता है कि नहीं। आखिर ये क्या बला है? अरे पानी, अब रुको तुम्हारे लिए भी कुछ निकालता हूँ। दीजिए ना। कैसा लगा तुम लोगों को? इसमें तो पानी की एक बूंद भी नहीं है सरदार। मुझे लगता है आप हम दोनों को बेवकूफ बना रहे हैं। रुक जाओ, देखता हूँ इसमें उड़ने वाला कालीन है क्या। अरे ये क्या है? सरदार कर क्या रहा है? अब तुम्हारे सरदार बने रहने के दिन बीत गए, समझे? मुझे लगता है अब तुम्हें सरदार बन जाना चाहिए। अच्छा तो ये बात है, लेकिन ये तो बताओ तुम लोग यहाँ से जाओगे कहाँ? जहाँ हमारा मन करेगा चले जाएंगे। चलो चले। मैं तो तुम्हें सोने का महल ले जाकर तुम्हारी जिंदगी बदलने की सोच रहा था। क्या सोने का महल? इस रेगिस्तान के ठीक बीचों बीच है वो सोने का महल।
बेशुमार हीरे जवाहरात हैं वहाँ पर और सिर्फ एक शहजादा अकेले रहता है जो किसी के साथ अपनी दौलत नहीं बांटना चाहता। कहीं तुम हमें कोई कहानी तो नहीं सुना रहे? मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये बात मुझे गुलामों की एक सौदागर से पता चली तो फिर मैंने सोचा कि तुम लोगों को भी अपने साथ वहाँ ले जाऊँगा। आखिर मैं तो वहाँ जा ही रहा था। ठीक है, अब तुम वहाँ नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं अकेला ही चला जाऊँगा। अगर तुम लोग भी मेरे साथ चलते तो मैं तुम्हें वहाँ ऊँचा ओहदा देता। चलो कोई बात नहीं। सरदार, हमारी बात तो सुनिए। तो फिर बकवास बंद कराओ। सरदार सुनिए तो। सरदार, हम आपके साथ चलेंगे। सरदार, आइंदा से अपनी औकात मत भूलना। हे सुनियो, कुछ दिख रहा है क्या? हाँ दोस्तों, मुझे पानी दिख रहा है, वहाँ पर एक झील है। हाँ? दोस्तों जल्दी करो, वहाँ है झील। और कितनी दूर जाना है? आखिरकार मेरा गैजेट किसी काम तो आया दोस्तों। अरे अभी और कितनी दूर जाना है, मैं थक गया हूँ। अजीब बात है, मुझे लगा था कि हमें इसी दिशा में आना है दोस्तों। मैं समझ गया, तुमने जो देखा था वो एक मिराज था। क्या कहा, मिराज था? रेगिस्तान में अक्सर ऐसा धोखा हो जाता है, आपको वो चीजें दिखने लगती हैं जो होती ही नहीं। क्या कहा, ऐसा भी कुछ होता है? तुम्हें समझ आ गया ना सुनियो? अगली बार तुम्हें कुछ दिख भी जाए ना तो भी हमें सोच समझ कर बताना, कहीं तुमसे दोबारा गलती हुई ना तो तुम्हारी खैर नहीं होगी, समझ गए? अच्छा ठीक है जियान। अरे नोबिता, नोबिता कहाँ गया? नोबिता कहाँ हो तुम? नोबिता! अरे नोबिता तो खोया भी ऐसी जगह है जहाँ पर उसे ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। देखो वो रहा, नोबिता, नोबिता तुम ठीक तो हो? अरे नोबिता, तुम ठीक तो हो ना? नोबिता, ऐसा लगता है ये बेहोश हो गया है। जियान चलो इसे उठाकर छांव में ले चलते हैं। मुझे कसके पकड़ना नोबिता। देखो उस तरफ छांव है। अरे नहीं, वहाँ एक और मिराज है, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। अगर वो सच में मिराज हुआ तो मेरी पिटाई होगी। लड़की जल्दी से आओ, मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ। अब कहाँ गायब हो गई हो, जल्दी से आ जाओ, मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। अरे कहाँ चली गई हो? अच्छा, मेरी नेकी का ये सिला दिया। इस बार अगर मिल गई तो बांध के रख लूंगा, कहीं नहीं जाने दूंगा उसको। आजकल किसी पर यकीन नहीं करना चाहिए। तुम्हें अचानक रुकने की जरूरत क्या थी? अरे अरे, रेतीला तूफान आ रहा है, हमें यहाँ से चलना होगा। चलो चलो यहाँ से, चलो जल्दी, चलो जल्दी, चलो। बैठो 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 बैठो, नीचे बैठो, जल्दी नीचे बैठो।